हमारे कॉलेज में 18 कॉलेज है। आप लोग जो है यहाँ पे गलत हो रहा है यहाँ पे इस जगह पे। गुड मॉर्निंग नहीं अभी दोपहर है बट अभी व्लॉग स्टार्ट किया। अभी आज मेरा मैच है PICT में, तो वहाँ पे अभी 3:30 बजे रिपोर्टिंग करना है और अभी बज रहे 3:10। मुझे थोड़ी देर में रेडी होना है। अभी मैं मैस जाके खाना खा के आया हूँ और मैं अभी घर के कपड़ों पे ही हूँ और अब तक मैं कुछ रेडी नहीं हुआ। मुझे अपनी किट पहननी है, अपना बैग जमाना है और पहला मैच है हमारा MIT पुणे के साथ। सेकंड मैच है PICT जो कि होस्ट कर रहा है ये टूर्नामेंट। तो लेट्स सी, आज हमारी दो ही मैचेस है, एक 4:30 बजे और एक 6:30 बजे। तो होपफुली देखते हम जीतते हैं या नहीं। अली और निशांत भी मैच देखने आ रहे हैं, प्रियराज का आई डोंट नो। प्रियराज क्या तू मेरा मैच देखने आ रहा है? नहीं शिट, तो प्रिय राजा पे मैच देखने नहीं आ रहा है। अली को पूछते हैं, अली मेरा मैच देखने आ रहा है कि नहीं। अली एहतिशाम अली, तो क्या तू आज अपने लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग मैच देखने के लिए रेडी है? मैं काफी उत्सुक हूँ कि यार आज कुछ चैंपियंस को देख पाऊंगा मैं। फॉर मी दे आर ऑलरेडी चैंपियंस, यू नो। मेरे को ये देखने की जरूरत नहीं है कि मैं जाके देखूंगी हाँ ये चैंपियंस है। हार जीत टीवी पे तो देख ही सकते हैं। हार जीत तो एक तरफ होती है बट जस्ट एंजॉय, यू नो। एंड कोई वैसा कोई इंसान खेल रहा हो वहाँ पे जिसको आप जानते हो काफी पहले से पर्सनली, या जो तुम्हारे सामने ब्लॉग बनाता है, जो हमेशा फेंका करता है कि हाँ अच्छा खेलता हूँ, काफी तेज पंच मारता हूँ, कुछ हाई जंप होता है, आई डोंट नो क्या होता है वो सब चीजें, बट यू नो ऐसा मैंने कुछ बोला नहीं है, ये सब अपने दिल से निकली आवाज है अली की। देखते अली आ जाएगा शायद और वहाँ पे जाने के बाद अली ब्लॉग करने वाला मेरे कैमरे से। वाहन वाला यहाँ पे बैठा है ना, बाहर जा रहे हैं हम, कोई पैदल चले जाओ। अली आ रहा है मैच देखने, सॉरी ब्रो। तो यहाँ पे दिक्कतें बढ़ते हुए लाइफ में, बट आई नो अली आएगा कुछ ना कुछ मैच करके। सो आई विल गेट रेडी नाउ, मुझे अपना किट निकालना है। बी मैं कैमरा, उठो मेरे साथ घूमो। रुको मैं कैमरामैन बनाऊंगा बीएन भाई को। हेलो पीपल ऑफ इंटरनेट, दिस इज योर न्यू ब्लॉगर प्रियराज सिंह राणावा, दिस इज योर न्यू स्टाइल ब्लॉगर के जूते तैयार, सॉक्स रेडी आज के मैच के लिए। किट बैग में ज्यादा सामान आएगा नहीं, तो मुझे शायद अपना लैपटॉप बैग लेके जाना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले तो वो गली या लोग एक टी-शर्ट, अली से टी-शर्ट लेके आते हैं पहले। सारे या लोग तो सो आज मेरे फ्रेंड का मैच है, विश हिम लक, ताकि वो अच्छे से करे। फुल स्लीव चाहिए था मेरे को, तो यार ये टी शर्ट पहन के जाने वाला था पर ये धोया हुआ नहीं है। अली का पसीना है उसमें, अली अपनी बगल में अली, कोई और टी शर्ट हो रहा है, सही है ना? बस बस बस। सो ये अली के पास से टी शर्ट मिल गया मुझे फाइनली। अली ने नया टी शर्ट निकाल के दिया अपने कबर्ड से। सो अभी ये टी शर्ट अभी तो नहीं पहन रहा, अभी थोड़ा टाइम है रेडी होने को। एक हाथ से कैमरा पकड़ के रेडी नहीं हो सकता। प्रियराज आई नीड माई कैमरा मैन। जूते पहन के तो नहीं जाने वाला हूँ मैं, क्योंकि इतना देर जूते पहनना इज रियली डिफिकल्ट। 6-6 घंटे का टूर्नामेंट होता है वहाँ पे, जूते पहन के बैठना इज रियली। तो मैं ये सैंडल पहन के जाऊंगा, जूते मेरे बैग में रहेंगे और किट भी मेरे बैग में रहेगी जो मैच खेलते वक्त मैं पहनने वाला हूँ। दिस इज द किट अनवे वन जो आज मैं पहन रहा हूँ मैच खेलते वक्त। जूते चेक, ये मेरा किट जो मैं मैच के वक्त पहनने वाला हूँ, मेरा मैच के बाद पहनने के लिए अपर, मैंने टी शर्ट पहना है, नीचे लोअर पहना है, शूज चेक, सोलर पैकेट। ओके सो आई एम ऑल सेट, अभी मैं निकल रहा हूँ मैच के लिए। ओके
ओके गाइस, अभी मैं PICT कॉलेज से वापस आ गया हूँ और वहाँ पे बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। अल्टीमेट लेवल का चूतिया कटाना जो होता है वो कटा के आया हूँ मैं। मैं गया टूर्नामेंट को और वहाँ पे मुझ पे और प्रसन्नजीत पे ऑब्जेक्शन ले लिया गया क्योंकि हमारे पास आई कार्ड नहीं थे। जस्ट बिकॉज हमारे पास आई कार्ड नहीं थे, वो लोग बहुत बुरी तरह ट्रीट कर रहे थे हमको। हर मैच से पहले, हर 5 मिनट बाद वो लोग हमारे प्लेयर्स को वेरीफाई कर रहे थे कि तू कौन है, तेरा आई कार्ड कौन सा है, और वो हमारे प्लेयर्स को बहुत बुरी तरह ट्रीट कर रहे थे। तो दैट वाज रियली बैड। PICT, यू रियली नीड टू इम्प्रूव योर मैनेजमेंट। तो PICT का कैप्टन था, वो भी हमसे पैसों के लिए लड़ पड़ा कि हमें अभी पैसे चाहिए। आई सेड कि 5 मिनट रुक जा भाई, मैं कॉल करता हूँ तेरे को और देता हूँ पैसे जो रजिस्ट्रेशन फीस है। इट वॉज लाइक नहीं, अभी चाहिए पैसे। तो हम तो कहीं भागे नहीं जा रहे थे और एक मैच तो हम जीत गए थे। एनी वे हम PICT से जीत गए, फिर भी वो बंदा मान नहीं रहा था। और परसों फिर से मैच है हमारा, सो लेट्स सी अभी क्या होता है। पैसा इज डिफरेंट। तेरा रूममेट ये सब काम कर रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? गोबर लगा है चेहरे पे। साले तू निकल रूम से, चल गांड मार दे, अली गांड मार दे। ओ माय गॉड, अली बना रहा है चिकन। सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मास्टर शेफ विद अली एंड अनवर। तो अली आज क्या बन रहा है? पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया क्या बन रहा है। बस सब डाले जा रहे हैं जब कलर सम लेफ्ट ओवर्स। लॉरियल आ जा इधर, आ जा। क्या खाना चाहिए बता, मेरे सब्सक्राइबर्स को कुछ बोलना चाहिए। प्यार खाएगी तू? जरा अच्छा काट ले, काट ले अली का पैसा। दे दे आलस, दे दे खेच ले, खेच ले, पता है। अरे सो गाइस, मीट लॉरियल, अली की बेटी। ए ए पूरी इकड़े ये हाथ में दे। तोणियो फसमाणु खाणियो आया क्या? मैं फोन दे दे मम्मी, इधर चल, इधर इधर इधर। हे गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन। यहाँ बोलना है। हाँ ये कैमरा है भैया, दिख रहा है ना? बोलना है कैनन ज़ूम। तो जो बेल आइकन जो होता है ना, प्रेस द बेल आइकन सो यू विल नेवर मिस आवर वीडियोस। और मेरे साथ बहुत गलत हुआ है गाइस PICT में। और 2 दिन बाद हम गोल्ड जीत जाने वाले हैं, तो हम आपको वहाँ का टूर दिखाएंगे। वो नया खुला है एक जगह पे, तो हम बताएंगे यार यहाँ का एनवायरमेंट कैसा है। सो गाइस, इसका कोई रेलेवेंस नहीं था आज के वीडियो। और गाइस अगर हम आपको कहीं दिखते हैं कैंपस में, आप आइए हमसे बात कीजिए। आप लोग बताने के लिए भी बहुत शर्माइए मत। आप भी बताइए चैनल पे, अनवे सुन पे भी जो चैनल है, आप लोग मिलते हैं। वी टॉक अबाउट यू नो फैशन, मोटिवेशन, स्पोर्ट्स, फैशन शो, ग्रूमिंग सेशंस एंड डू एवरीथिंग गाइस एंड व्हाट नॉट। यू टेल मी, सिर्फ एंटरटेन नहीं होते हो? चूतिए साले, अरे मैं बंद कर रहा हूं कैमरा चूत। So I guess guys that is the vlog. आज के vlog के लिए मैंने बहुत अलग plan किया था। अली आने वाला था, तिवारी आने वाला था, निशांत आने वाला था। बहुत आज का वैसे मैंने बड़ा vlog सोचा था। PICT ने बहुत गलत काम किया। पर PICT वाले sucks। Guys calm down, just calm down guys, calm down। सियागढ़ के नाम पे हमारे कॉलेज में 18 कॉलेज है। आप लोग जो है यहाँ पे गलत हो रहा है यहाँ पे इस जगह पे। उन्होंने जो है खेल को खेल की भावना की तरह लेना चाहिए था। क्या तुम अपने चूतड़ों में बैठ के क्रांति नहीं आएगी? अली बोल दे, अपने अपने चूतरों में बैठे क्रांति आएगी? क्रांति चाहिए ना, क्रांति चाहिए ना, तो तुम्हें अपना कदम उठाना पड़ेगा। आपको अपना खून मानना पड़ेगा और आप अपना खून मानने के लिए तैयार नहीं है। भूल जाओ तूने अब जाना। With that said, that is the vlog guys. Hey guys, that is the vlog. I'll see you in the next vlog. Bye. मैं फ्रेम में आ रहा गया। आड़ा रखोगे और बोलोगे फ्रेम से।